अस्सलाम वालेकुम कैंसरियन, मैं हूं शेख जव्वार रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हम्द व सना है रब्बुल इज़्ज़त की, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। वीकली हॉरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। 17 से 23 जनवरी आपका यह हफ्ता कैसा गुजरेगा कैंसरियन? सबसे पहले तो बताता चलूं कि कुछ अहम तब्दीलियां हैं जो कि इस हफ्ते में मतवक्को है। सन जो कि आपके जायजे के 7th हाउस में और 180 डिग्री से आपके असेंडेंट को देख रहा था, ये आपके जायजे के 8th हाउस में चला जाएगा। इसका 8th हाउस में जाना आपके लिए कोई बहुत अच्छी अलामत जो है वो साबित नहीं होगा, लेकिन उसके साथ ही जो है वो शर्फ कमर होगा 21st को, जो कि आपका अपना साइन लॉर्ड है। आपके 11वें गुड लक के घर में इसको शर्फ होगा और इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम जो है वो साबित होगा। सो इसके बारे में भी बात करेंगे, और लेकिन शुरू करने से पहले बताता चलूं कि ये जनरल हॉरोस्कोप होता है, इंडिविजुअल के लिए हमारा नंबर डिस्प्ले पे आ रहा होता है, आप उस पर रब्ता करके तो खास अपने बारे में जो है वो जान सकते हैं, लेकिन जहन में रखिएगा ये प्रोफेशनल सर्विसेज है। तमाम ऐसे अफराद बुर्ज सतान में यानी कि कैंसर में आते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 20th जून से लेके तो 22nd जुलाई 23rd जुलाई तक जिनकी पैदाइश है, ये सब जो है वो कैंसर में आते हैं। लेकिन अगर आपको कंफर्म डेट ऑफ बर्थ पता ना हो तो फिर आप अपने नाम के कैपिटल वर्ड से देख सकते हैं, इंग्लिश में इसको एच कहते हैं और उर्दू में देखेंगे तो हे चाहे किसी भी किस्म का हो, दो तरह की हे होती हैं, तो दोनों तरह की जो है वो बुर्ज सतान से ही देखी जाती हैं। जहन में रखिएगा कि जिन लोगों को डेट ऑफ बर्थ कंफर्म पता है वो सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ से ही देखेंगे। और आपका जो रूलिंग प्लैनेट है ये मून है, दिन आपसे पीर मंसूब है, जो आपके लिए लकी होता है, और आपके लिए जनरली लकी जो है नंबर वो 2 है। आपके लिए बेहतरीन जेमस्टोन, ये फिर मैं जनरल में बताने लगूँ, इंडिविजुअल समटाइम बिल्कुल डिफरेंट होता है। आपके लिए पर्ल होता है जिसको कि मोती भी कहते हैं, दुर नजफ होता है, मून स्टोन होता है, हिजरुल कमर भी आपके लिए बेहतरीन साबित होता है। ये स्टोन्स आपके लिए बड़े ज़बरदस्त इंशाल्लाह साबित होंगे। हमारी वेबसाइट javajem.com पे आपके लिए बेहतरीन जेम कलेक्शन जो है वो मौजूद होती है, आप घर बैठे अपनी पसंद का स्टोन जो है वो मंगवा सकते हैं। सबसे पहले आपका अपना रूलिंग प्लैनेट, ये आपके जायजे के 9वें घर में मौजूद है जब ये हफ्ता स्टार्ट होगा। पाइसिस में है लेकिन यहाँ पर रहते हुए स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आपकी तवज्जो बढ़ाएगा, किसी दूर दराज सफ़र की तरफ और नॉलेज गेन करने की तरफ आपकी तवज्जो जो बढ़ाएगा। उसके बाद अगले 2 दिन आपकी फोकस रहेगा आपके कैरियर रोज़गार पे, और ये तकरीबन 19-20 दिन आप समझ लीजिए कि आपका कैरियर रोज़गार पे आपका बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। सुशाली दुकान के साथ मेल मिलाप भी रहेगा, इनकी तरफ तवज्जो भी रहेगी, मदर लॉ के साथ कम्युनिकेशन बढ़ेगी। उसके बाद ये यहाँ से निकल के तो आपके जायचे के 11वें गुड लक के घर में जो है ये आ जाएगा। यहाँ पे आएगा तो ये आपके मिजाज में बड़ी ही पॉजिटिव चेंज लेके आएगा, आपके रुके हुए काम भी जो है वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। दोस्त अहबाब से भरपूर आपको तावन मिलेगा, आप कैरियर ओरिएंटेड हो जाएंगे, आपके जो टारगेट्स हैं जो गोल्स हैं उनको आप बेहतर तरीके से अचीव कर सकेंगे। दोस्त अहबाब का भरपूर तावन आपको यहाँ पर मिल सकेगा। 2 दिन कमर यहाँ पर रहेगा तो ये टाइम आपके लिए समझ लें कि बड़ा आप समझेंगे कि बेस्ट टाइम जो है वो आपके लिए मंथ का ये साबित होता है। इसी के ऊपर जो है वो एक ख़ास वीडियो हम देते होते हैं, दुआओं की कबूलियत का ख़ास वक्त और ख़ास अमल, ये वीडियो आपके लिए हमारे चैनल पे अपलोड हो चुकी हुई है। इस वीडियो के अख्ताम में आपको उसका लिंक भी इंशाल्लाह जो है वो मिल जाएगा, सो वो देखना ना भूलिएगा। आपके लिए बेहतरीन 3 अमाल जो है वहाँ पर शेयर किए गए हैं। हमेशा की तरह उम्मीद करता हूँ ये आपको भी ये वीडियो भी जो है पसंद आएगी, चूँकि ये हमारा एक मकबूल तरीन जो है वो हमारा सिलसिला है। दूसरी चीज़, आपके खाना माल का हाकिम सियारा शम्स आपके जायचे के 7वें घर में मौजूद था, ये आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बन रहा था। मैंने बताया था कि शरीक कार यानी वर्किंग पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर, दोनों के मिजाज में कुछ थोड़ा सा एग्रेशन का आंसर आपको जो है वो मिलेगा। अब ये जायचे के जा रहा है 8वें घर में, अब ये जब 8वें घर में जाएगा तो 8वें घर में मौजूद जुपिटर सैटर्न जो कि पॉजिटिव थे उनको भी दबा देगा। फिर ये आपके खाना माल का हाकिम से यार और 8वें घर में जाके ये 180 डिग्री से आपके खाना माल को देखेगा, अखराजात में कुछ तेज़ी का सामना रहेगा और ना चाहते हुए भी कुछ अखराजात आपको जो है वो करने पड़ सकते हैं। इसी तरह वो लोग जो कि पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, जो कि जॉइंट एडवेंचर में काम कर रहे हैं, उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा जो है वो नहीं होगा। विरासती मामलों में भी रुकावट जो है वो आपके आ सकती है। अगर आपने कोई लोन वगैरह अप्लाई किया हुआ है तो उसका मिलना भी थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल साबित होगा।
तीसरे घर का हाकिम सैयर अभी छठे घर में, सो बहन भाई जो कर्म की तरफ से भी थोड़ी सी हर्डल जो है वो अभी आपको फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन आप अपने मादी मफादात के असूल के लिए कुछ नज़दीकी सफ़र और कुछ आप कम्युनिकेशन जो है ये भी बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जो लोग पाकिस्तान से बाहर मुकीम है उन्हें मैं कहूँगा कि इस वक्त इमिग्रेशन वगैरह अप्लाई करने से आपको जो है वो कतई तौर पर गुरेज करना चाहिए। चौथे घर का हाकिम सैयारा जोरा, ये आपके जायचे के सातवें घर में मौजूद है। घर का माहौल बहुत अच्छा हो रहा है और आपके और आपकी शरीक हयात शरीक कार के साथ तल्लुकात को बेहतर बनाने में ख़ानदान के अफराद बहुत एक अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं और आपकी शादी तय पाने के इम्कान भी वीनस की वजह से ही जो है वो कुछ प्रोमिनेंट जो है वो हो रहे हैं। इसके अलावा सारी सवारी जगह की तब्दीली की खरीदो फरोख्त ये भी आपके लिए काफ़ी बेहतर जो है वो रहती नज़र आ रही है। पाँचवें घर का हाकिम सैयारा, ये भी आपका मरीख अच्छी पोजिशन में नहीं। यहाँ पर मैं कहूँगा कि इसके लिए स्पेशली आपसे कहूँगा कि हर मंगल को 900 ग्राम दाल मसूर या मुर्गी की कलेजी का सदका देना अपना मामूल बना लीजिए। ये सदका दे के आप अपने बहुत सारे मामलों को कवर करते चले जाएंगे, स्पेशली कैंसर की जो प्रेग्नेंट खवातीन हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी होगा। आपके बच्चों के मिजाज में, छोटे बच्चों के मिजाज में थोड़ा सा ज़िद्द और गुस्से का आंसर जो है वो बढ़ेगा, टेम्पर्ड आप उनको देखेंगे, आउट ऑफ कंट्रोल होते थोड़े से बच्चे नजर आएंगे। आपके बच्चों को थोड़ा सा टाइम जो है वो आपका रिक्वायर्ड होगा, आप उनकी मेंटल थेरेपी कीजिए, थोड़ा सा उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए तो ये मामला बेहतर होगा। बड़े बच्चों के आपके जो शरारती अजवाजी मामलाते हैं वो सर उठा सकते हैं, ये आपकी परेशानी में यहाँ से कोई थोड़ा सा इजाफा जो है हो सकता है। आपकी सेहत आपकी मुलाजमत ये यहाँ पे कुछ मिले जुले हालात आपको रहेंगे, ये हफ्ता फिर भी आपका बेहतर गुजर जाएगा लेकिन नेक्स्ट वीक आपको यहाँ पे एहतियात जो है वो करने की ज़रूरत होगी। इसी तरह आपके शांति अज़दवाजी ताल्लुकात भी बिल्कुल इसी तरह, ये हफ्ता फिर भी आपका जो है वो बेहतर हालात में चला जाएगा लेकिन नेक्स्ट वीक जबकि सन आठवें घर में जाएगा और सातवें घर के लॉर्ड को भी दबा देगा तो फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ सकती है। बैरून मुल्क सफ़र के लिए वीज़ा वगैरह अप्लाई करने के लिए एक अच्छा वक्त है, स्पेशली अगर आप स्पाउस वीज़े पे पाकिस्तान से बाहर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अच्छी जो है वो पोजिशन मिल जाएगी। लेकिन जो कंसीरियन के लोग एजुकेशन ले रहे हैं उन्हें थोड़ा सा हर्डल्स फेस करनी पड़ेंगी क्योंकि जुपिटर जो कि नवे घर का आके में ये आठवें घर में आ चुका है, यहाँ पे आके ये एक घर पीछे आके तो आपको उतना कंफर्ट जो माहौल है वो नहीं प्रोवाइड कर रहा, सो आपने बेहद एहतियात करनी है कैरी रोजगार के हवाले से। मार्स के बारे में आपको पिछले वीक भी जो है वो प्रॉपर तरीके से गाइड कर चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ आपके जहन में वो वीडियो होगी, जब कुछ चेंज होगा तो उसके बारे में भी इंशाल्लाह बताऊंगा। बहरहाल ये बताता चलूं कि आपको अपने कैरियर रोजगार के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी होगी, ज़्यादा मेहनत करके फिर आप अपने मतलूबा नतायज जो है वो हासिल कर सकेंगे। उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव साबित होगी और मैं किस हद तक कामयाब हुआ ये अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। इजाज़त चाहूँगा, खुदा हाफिज़।